Hello students, now I am explaining you the chapter 11th of EVS. I am cutting, this is the second part of that chapter. मैंने आपको ये lesson में आपको flowers recognize करने के लिए बोला था. We all know them, okay? इसके नाम मैंने बोल दिया, hibiscus, rose, sunflower, फिर मोगरा, चंपा, marigold, चंपा, मोगरा, periwinkle, फिर ये है jasmine और जॉर्जिया. ये सब हमने फ्लावर्स देखे. नाउ यू वुड रिकॉग्नाइज सो मेनी फ्लावर्स. नाउ एक्सेप्ट द पिक्चर्स गिवन अबाउ, गिव अदर टू नेम्स ऑफ द फ्लावर्स इन द टेबल गिवन. आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ओके, हियर इज द टेबल, यू हैव टू शो दैट एंड नेम द फ्लावर्स. सम डिटेल्स आर गिवन हियर. यहाँ पे क्या दिया है, नंबर डिटेल दिया है, मतलब कुछ ट्रीज गिवन, ग्रो ऑन ट्रीज, ग्रो एज अ क्लाइंबर, पानी में ग्रो होने वाले ट्रीज है, फिर बुशेस की तरह, क्लाइंबर की तरह, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्री प्लांट्स के नेम देने, नेम ऑफ द फ्लावर और नेम ऑफ द फ्लावर. आपको टू फ्लावर्स के नेम देने. फर्स्ट क्या है, ग्रो ऑन ट्रीज, मतलब पेड़ों पे ग्रो होने वाले फ्लावर्स के नाम आपको देखने. तो इसमें कैसे बड़े बड़े ट्री होते, गुलमोहर आता है, फिर बड़े ट्री में फूल होते हैं, फिर चंपा भी होता है, ओके, यू कैन राइट दैट ऑल्सो. फिर ग्रो ऑन बुशेस, बुशेस कैसा होता है, जैसे घेरा हुआ, ट्री की जैसे बड़ा नहीं हो सकता. ट्री क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, टॉल टॉल होता है ग्रो, बट बुशेस का तो वो छोटा ही रहे, उसकी हाइट छोटी होती बट वो बहुत ही घेरा हुआ होता है, ओके. आपने देखा होगा रोज है ना, रोज है, हिबिस्कस एंड दे आर कॉल्ड एज बुशेस. देन रोज ऑन क्लाइंबर प्लांट्स, मतलब बेला जो बोलते हैं ना हम लोग, इट क्लाइंबर्स मतलब क्लाइंब करता है, वो ट्री नहीं है ना ही बुशेस है. क्लाइंबर्स मतलब जो हम गुजराती में बोलते हैं वेले. तो आपने वेले में ग्रो होने वाले कौन से फ्लावर्स है, जैसे जैस्मिन है, ओके. आपने देखा जैस्मिन मोस्टली क्लाइंबर की तरह ही होता है, पर अपराजिता है, बहुत सारे फ्लावर्स है जो क्लाइंबर्स पे ग्रो होते हैं. ग्रो ऑन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट मतलब, एक्वेटिक का मतलब पानी, वाटर प्लांट्स बोलते हैं, ओके. पानी में ग्रो होने वाले मोस्टली कॉमनली हमें सबको पता है, लोटस एंड वाटर लिली. ब्लूम ओनली एट नाइट, मतलब रात को ही सिर्फ खिलते हैं, तो वो कौन से फ्लावर्स हैं, रजनीगंधा जो बोलते हैं रात रानी, और जैस्मिन, ये सब. ब्लूम इन डे एंड क्लोज एट नाइट, मोस्टली सभी फ्लावर्स रात सुबह खिलते हैं और रात को बंद है. बट आजकल आपने देखा कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं कि वो ब्लूम तो हो जाते फिर तीन चार दिन तक रहते हैं, ओके, दे स्टे लाइक द सेम. तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते एक ही दिन में वो क्लोज भी हो जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल. तो ऐसे कौन से हैं, वो सभी कॉमनली, जैसे रोज है, ओके, वो लोटस है, सनफ्लावर, वो सुबह ग्रो होते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं. देन फ्लावर्स रिकग्नाइज बाय देयर सेंट, सेंट मतलब उनकी खुशबू से ही वो पहचाने जाए फ्लावर्स. ऐसे कौन से, मतलब सुगंधिता वाले फ्लावर्स कौन से, जैस्मिन है, मोगरा है, चंपा है, रोज है, ये सब उनकी खुशबू से ही पहचान जाते हैं. अगर आपने किसी ने स्प्रे डाला है या किसी के हमारे घर में अगरबत्ती लगाई है तो आपको पता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी है रोज़ वाली अगरबत्ती, हाँ आपने स्प्रे बहुत अच्छा लगा है. तो कुछ फ्लावर्स अपने सेंट के लिए बहुत फेमस है, एंड मैनी परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम देम. ब्लूम राउंड ईयर, राउंड ईयर मतलब हर पूरा साल, पूरे साल ये मतलब ग्रो होते हैं, आते हैं पेड़ पे, दैट इज़ रोज भी है आजकल और जैस्मिन भी है. ब्लूम ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ्स, सर्टेन मंथ्स मतलब साल में कुछ महीनों में ही कभी कभार ये ग्रो होते हैं. जैसे हमने देखा है मैंगो आपको पूरी साल नहीं मिलता है ना, इट कम्स ओनली इन समर सीजन, है ना. जैसे ऑरेंजेस है वो आपको सिर्फ विंटर सीजन में ज़्यादा मिलते हैं देखने को. तो ये सब सीजनल फ्रूट फ्लावर्स है जो अपने सीजन के हिसाब से आते हैं. जैसे तो यहाँ सर्चिंग मंथ्स में कौन कौन से आते हैं, मैरीगोल्ड, जैसे गलगोटा मैंने बोला नवरात्रि और दिवाली के टाइम में बहुत देखने को मिलते हैं, बट समर में सीजन में नहीं देखने को मिलते. फिर है ट्यूलिप है. तो ये सब कुछ फ्लावर्स के डिटेल्स है. यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन, नाउ टेल दैट आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स. हाँ, ऐसे भी कुछ प्लांट्स है, ट्रीज है, जिन पे फ्लावर्स कभी नहीं आते, दे आर शोइंग डेकोरेटिव प्लांट्स बोलते हैं जिसको, हमने अपने घर के सजावट के लिए रखते, क्योंकि ग्रीन कलर हमें आँखों के लिए बहुत ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, इट इज़ गुड, इसलिए हम प्लांट करते हैं, दे आर कॉल्ड डेकोरेटिव प्लांट्स, ओके. सभी प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते, और सभी जैसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो वो लोग
वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं देते, जो फ्रूट्स के वेजिटेबल्स वाले होते वो लोग फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, जैसे मैंगो के ट्री में फ्लावर्स आते हैं बट हम उसको यूज़ नहीं करते, है ना। सो क्योंकि हर कोई प्लांट पहले फ्लावर में से ही फ्रूट बनता है, फ्लावर आने के बाद ही वेजिटेबल वहाँ पे ग्रो होती है, इसलिए हम उसको तोड़ नहीं सकते। बट ऑल दिस आर फ्लावरिंग फ्लावर प्लांट्स और दे आर यूज फॉर डेकोरेशन ऑल दिस थिंग्स। नाउ व्हाई दिस, आपने यहाँ पे देखा हो क्यों ऐसे देखा है, यहाँ पे बोर्ड लिखा है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, हैव यू सीन सच काइंड ऑफ बोर्ड्स? यस, इट इज़ मोस्टली केप्ट इन पब्लिक प्लेस, जैसे गार्डन है कहीं, आप रोड पे चल रहे हो और हर जगह पे प्लांट्स ग्रो किए हो तो वहाँ पे लिखा होता है नोटिस करके डू नॉट प्लक फ्लावर्स। कोई अच्छे से बड़ी होटल में गए हो वहाँ पे भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तोड़ लेते हैं छोटे होते तो, बट इसलिए वहाँ पे नोटिस डाली जाती डू नॉट प्लक फ्लावर्स। हैव यू सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? यस। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता या फिर नोट नहीं करना चाहते हैं, दे इवन टू प्लग इट। व्हाई डिड पीपल डू दिस? क्यों वो लोग तोड़ते? क्योंकि उनको फ्लावर्स अच्छे लगते होंगे तो, या फिर मजा के लिए भी करते होंगे। व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लग फ्लावर्स? क्या हर कोई फ्लावर तोड़ेगा तो क्या होगा? सो दैट इज़ वेस्ट ऑफ फ्लावर्स। हमें ऐसे ही किसी, हाँ अगर आपको कोई ज़रूरत है, आपका आपको कोई यूज़ करना है उस फ्लावर्स तो आप तोड़ रहे तो अलग बात है, बट देन टू ट्राई टू यूज़ फॉलन फ्लावर्स, नीचे गिरे हुए फ्लावर्स हो ना उसको यूज़ करो तो अच्छा है, इट्स बेस्ट, क्योंकि उसमें ना तो प्लांट का भी नुकसान होता है और प्लांट पे जब फ्लावर्स लगे तो बहुत सुंदर लगता है प्लांट ट्री, है ना, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। अगर उसको हम तोड़ देते वो प्लांट की भी खूबसूरत चली जाती है। ओके, सो इट्स बेस्ट प्लांट पे है, हाँ ज़रूर है तो हम तोड़ते हैं पूजा के लिए जितना ज़रूर है, अगर नहीं है तो फिर ऐसे अननेसेसरी तोड़ना अच्छा नहीं है। लेट अस लुक क्लोजली, यू कैन सी, गो टू द गार्डन, कलेक्ट फ्लावर्स विच हैव फॉलन डाउन, लुक एट द फ्लावर्स केयरफुली एंड टेल। अब आप गार्डन जाओ कहीं, ओके, एंड सी समथिंग, कलेक्ट सम फ्लावर्स विच हैव फॉलन। आप गार्डन में जाओगे तो वहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स होंगे, तो आप नीचे से गिरे हुए फ्लावर्स को कलेक्ट करो और देखो वॉट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर, यू कैन सी, आप ऑब्जर्व करो कलर कौन सा है, वॉट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दैट इज, उसके अंदर खुशबू कैसी है, वॉट डज इट लुक लाइक, वो फ्लावर कैसे लगता है, बेल बाउल की तरह, ब्रश की तरह या कुछ और, मतलब हर किसी फ्लावर में पेटल्स नहीं होते, आपने देखा होगा जैसे रोज़ का फ्लावर है तो एक एक पेटल आपको देखने को मिलता है, वही चीज़ आप मैरीगोल्ड में देखो तो आप वो डिफरेंट टाइप्स है, तो हर चीज हर फ्लावर अपना अपना अपनी अपनी खासियत होती है, डिफरेंट होता है। डू दिस फ्लावर्स ग्रो ऑन बंचेस? क्या ये फ्लावर्स एक साथ झुमके में ग्रो होते हैं? हाँ, कुछ कुछ होते हैं, रात रानी जैसे फ्लावर्स होते वो बंचेस में ग्रो होते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? अब पेटल्स कुछ फ्लावर्स जैसे चंपा जैसे हो तो हम काउंट कर सकते हैं 5 है या 6 है, ओके, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं हमको दिखते भी है, बट अगर आप रोज़ के पेटल्स कैसे काउंट करोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, रोज़ है, गुलमोहर है, वी कांट काउंट देम, ओके। आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट? क्या सभी पेटल्स साथ में जॉइंट है या अलग अलग है? जो बड़े बड़े होते हैं जैसे चंपा का बोला मैंने तो दे आर सेपरेट, बराबर, बड़े बड़े हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट कुछ जो बहुत ही बुशेस की है, बुशी है, तो हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, एंड दे आर वेरी जॉइंट टुगेदर। इज देयर एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेटल्स? हाँ, हर फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का लेयर होता है, ये जैसे आपने देखा है ना ये पेट बर्ड है, यू कैन सी हियर दिस पिक्चर के अंदर, देखो यहाँ वाटर लिली है, ओके, और ये क्या है, बर्ड, बर्ड मतलब जो कली जो बोलते हैं हम फ्लावर की, हाँ वो कली के अंदर पेटल्स डेवलप होते हैं फिर वो खिलता है, ओके, ब्लूम करता है, तो वही जो ग्रीन कलर का लेयर है वो नीचे हर किसी फ्लावर में, यू कैन ऑल्सो सी आपके घर के पास कहीं पे भी फ्लावरिंग प्लांट हो तो उसकी वजह से फ्लावर टूटा हो तो आप देखना नीचे ग्रीन कलर होता है, वो एक सपोर्ट होता है, और बर्ड जब खिलता है तो बर्ड का कहाँ जाएगा, कवर, बर्ड इज़ द कवर, ओके, फिर जब वो फ्लावर खिलता है तो वो नीचे सेटल हो जाता है और अंदर से कलर वाला पेटल्स निकलते हैं, ओके, तो हर किसी फ्लावर के अंदर नीचे ग्रीन कलर का होता ही है। कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द फ्लावर इनसाइड द पेटल्स? राइट इट्स कलर्स, आपने अंदर जब फ्लावर खिल जाता है बीच में आपने देखा है कुछ बहुत छोटा छोटा होता है,
थिन स्ट्रक्चर, येस दैट इज, वो क्या होता है, वो एक प्रकार का, आप हाई स्टैंड में जाओगे तब आप पढ़ोगे, ओके. राइट इट्स कलर मोस्टली येलो कलर का होता है, ओके. व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स. कुछ फ्लावर्स को हम टच करते हैं तो आपके हाथ में भी पाउडर जैसा लगता है ना. दिस इज ऑल नेचुरल थिंग्स, भगवान ने बनाया हुआ है ये, ओके. हाँ, कुछ कुछ फ्लावर्स में होते हैं ऐसे. नाउ ब्लूमिंग बर्ड्स, ब्लूमिंग बर्ड्स मतलब ब्लूमिंग मतलब खिलना, जो फ्लावर्स खिलते हैं ना उसको ब्लूमिंग बोलते हैं. और जो बर्ड का मतलब जो हम फ्लावर की कलियाँ होती हैं दैट इज कॉल्ड बर्ड. तो बर्ड्स जो खिलने वाले हैं उसके बारे में बोला है, खिली हुई कलियाँ, ओके. इसका मतलब है ब्लूमिंग बर्ड्स. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स. आपने देखा होगा ना आपके घर में, अगर रोज़ का प्लांट है आप आराम से देख सकते हो. कोई भी फ्लावर का प्लांट हो आप देख सकते हो, ग्रीन ग्रीन कलर का बंद होगा, क्लोज किया हुआ, दैट इज कॉल्ड बर्ड. ऑब्जर्व द बर्ड ऑन द प्लांट विच ग्रो नियर योर सराउंडिंग्स. वॉट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ बर्ड एंड अ फ्लावर. बर्ड और फ्लावर के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? येस देयर इज डिफरेंस. बर्ड इज अ क्लोज्ड फ्लावर, ओके. वो बंद फ्लावर है. एंड फ्लावर इज द ब्लूम्ड फ्लावर. द कलर ऑफ द बर्ड इज ग्रीन ऑलवेज. कोई भी बर्ड हो उसका कलर ग्रीन ही होता है. बट द कलर ऑफ द फ्लावर इज डिफरेंट, ओके. इट इज नॉट द सेम. कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इन टू फ्लावर. कितने दिन लगते हैं एक बर्ड को फ्लावर में खिलने से? मोस्टली 1 week जितना हो जाता है, ओके. मोस्टली हो जाता. चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक इट एट इट एवरी डे. आपके घर में अगर कोई है फ्लावरिंग प्लांट तो उसको आप देखो बर्ड के अंदर. और कितने दिन लगते हैं आपको उसको ब्लूम में? राइट द नेम ऑफ द प्लांट और फिर आप उसके नाम भी लगे. वेट डिड यू सी द दिस बर्ड फर्स्ट? आपने कब देखा था बर्ड को? राइट द डेट. एंड वेन डिड द बर्ड हैज़ ब्लूम इन टू अ फ्लावर? राइट दैट डेट. और वो बर्ड कब फ्लावर के अंदर ब्लूम हो गया उसकी डेट लगो, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. हाउ मेनी डेज इज दैट बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर? फिर आपको पता चल जाएगा कितने दिन लगे फिर फ्लावर को, एक बर्ड को फ्लावर होने में. आस्क योर फ्रेंड्स एंड नेम द फ्लावर्स दैट दे हैव सीन. हाउ मेनी डेज डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू ब्लूम इन टू फ्लावर? फिर कितने डेज लगे आप पूछ सकते हो. ऑब्जर्व देम हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टू ड्राई. फिर वो फ्लावर ड्राई मतलब सूखने के लिए भी कितना टाइम लगता है. यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोट, ओके. सो दिस